साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं आउटलुक की कनेक्टिविटी। मेलिंग कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज्यादातर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें मेल को ऑटोमेट करना, ताकि मेरा मेल ऑटोमेटिकली एक्सेल से चला जाए। उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है आउटलुक, क्योंकि आउटलुक मोस्टली कंपनीज में हम आउटलुक के जरिए ही मेल करते हैं। तो आज की हमारी इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ कैन सेंड द मेल वाया वीवीए थ्रू आउटलुक। तो क्या सीख रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब इसमें एक चीज ये होती है कि आउटलुक के जरिए मेल भेजना है तो क्या भेजना है। एक जैसे कि हम लोग जनरली जैसे कि अटैचमेंट करके भेजते हैं वो भेजना है, या मेल रिपोर्ट को मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना है, वो सारी चीजें होती है। तो चलिए वन बाय वन हम सब चीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि हम उसको कनेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो बहुत सारे बार जगहों पे इंटरनेट पे या फिर मेरी एक दो क्लासेस में आपने देखा होगा कि मैं ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल का यूज किया था। तो चलिए आज इस ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल का यूज करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं सेंड मेल। अब यहां पे हम देते हैं दो, देते हैं कि डिम आउट ऐप, एक ऐप हम करते हैं ऐप एज ए ऑब्जेक्ट, और दूसरा डिम आउट मेल एज ए ऑब्जेक्ट। दो चीजें हो गई कि हम यहां पे एक एप्लीकेशंस को, दूसरा मेल को हमने यहां पे किया। मैं आपकी जगह मेल का स्पेलिंग गलत हो गया है, राइट? अब इसमें अभी हमने जिस डिफाइन किया हुआ है, अब मुझे इसको स्टोर करना है। तो हम यहां पे करते हैं कि सेट आउट ऐप इक्वल टू क्रिएट। अब सर आपने आउट ऐप क्यों लिया, यहां पे कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हो ना तो मोस्टली जगहों पे आउट ऐप ही आता है। तो कभी इन फ्यूचर में आप अगर भूल गए कोड और आपको सर्च करना हुआ तो इससे आपको आपके दिमाग आमने आंखों के सामने जो है नहीं आ जाएगा। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी अदर एप्लीकेशन को है को कनेक्ट करते हैं उसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट का बहुत यूज होता है। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं आउट लुक आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। ये याद रखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें ऑटो करेक्शन नहीं होता है एप्लीकेशन। अब जैसे कि इसी माध्यम से करते हैं, जो वर्ड है तो वर्ड डॉट एप्लीकेशन, पेंट है तो पेंट डॉट एप्लीकेशन, इंटरनेट है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर डॉट एप्लीकेशन। तो इसी तरह की चीजें यहां पर हम क्लिक करते हैं। तो इससे क्या क्रिएट हो गया, इससे सेटअप हुआ आउट ऐप के ऊपर आउट एप्लीकेशंस, आउटलुक एप्लीकेशंस, राइट? अब मैं यहां पे करता हूं कि सेट आउट मेल, जो कि ऊपर किया है, इक्वल टू हमने बोला कि आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम। डॉट क्रिएट आइटम और यहां पे जीरो दे दीजिए। तो क्रिएट आइटम, तो समझ गए सर? अब इसमें आगे करते हैं कि विथ आउट मेल और यहां पे डॉट टू इक्वल टू अपना मेल आई डालिए, जैसे कुमार एट द रेट iptindia.com, जो भी आपकी मेल आईडी है, डॉट सी सी
जो डालना है डालिए, अगर नहीं डालना है तो इसको देने की जरूरत नहीं है। डॉट बीसीसी डॉट सब्जेक्ट टेस्ट एंड डॉट बॉडी। हम इस मेल बॉडी पे क्या पेस्ट करना है यहां पे आप डालना है। तो मेल बॉडी पे जैसे कि आप इसमें दिक्कत क्या होता है कि फॉर्मेटेड मेल आप इसमें नहीं कर सकते, तो फॉर्मेटेड मेल के लिए फिर आपको एचटीएमएल की कोडिंग को कंसीडर करना होता है, वो आगे क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे। लेकिन फॉर्मेटेड मेल आप यहां पे नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मेल बॉडी पे जैसा मेल बॉडी पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मेल बॉडी पे मुझे हाय कुछ तरह से लिखना है, तो अगर मैं यहां पे इस तरह से लिख दूं कि हाय प्लीज फाइंड द टेस्ट फाइल फॉर एक से कॉल उठा लेता हूं सर। हेलो तो यहां पे इस फाइल फाइल अटैच फाइल फॉर रिपोर्ट या जो भी अपडेट यहां लिख दें रिपोर्ट, और यहां पे मैंने कर देता हूं थैंक्स एंड रिगार्ड रिगार्ड सुजीत कुमार। तो क्या प्रॉब्लम होगी पता है सर, ये एक ही लाइन में चला जाएगा, ये जो आपने लिखा ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में चला जाएगा। हेलो